और इस सब के बीच महाराष्ट्र के भिवंडी और बुलडाणा में एक तरफ ये खबरें आई हैं जहां गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ है, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर जो आपको देखना जरूरी है, धुले की तस्वीर, और धुले की इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। धुले में गणेश विसर्जन के दौरान जब लोग गणेश जी की मूर्ति के साथ एक बड़ी मस्जिद के सामने पहुंचे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी गणपति पर जमकर फूल बरसाए और विसर्जन में हिस्सा लिया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, धुले की ये तस्वीरें आपके सामने, मस्जिद के सामने से जब जुलूस गुजर रहा था तो मस्जिद में मौजूद लोगों की तरफ से गणेश जी की मूर्ति पर फूल बरसाए गए और विसर्जन के इस जुलूस में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। कि गणेश उत्सव जो है वो धार्मिक के साथ साथ महाराष्ट्र की अगर खासतौर से बात की जाए तो एक सामाजिक उत्सव के तौर पर अपनी एक किसकी पहचान है, अपनी किसकी मान्यता है, जिसपे तमाम जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग जो हैं वो गणेश उत्सव में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं और कहीं ना कहीं भावपूर्ण आस्थापूर्ण तरीके से इस गणेश उत्सव को मनाया जाता है। और ऐसे में एक तरफ जहां इस सौहार्द को धूमिल करती हुई तस्वीरें सामने आई भिवंडी और बुलडाणा से, वहीं देखे किस तरीके से ये भाईचारे और प्रेम की तस्वीर महाराष्ट्र के धुले से सामने आई है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति के साथ मस्जिद के सामने जब विदाई जुलूस पहुंचा तो मुस्लिम समाज के लोगों ने गणेश जी की प्रतिमा पर फूल बरसाए और विसर्जन में भी हिस्सा लिया। तस्वीरें आपके सामने। तो अब ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण, पथराव हो गया। बुलढाणा में तो अभी तक विसर्जन हो नहीं पाया है, लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक गणपति विसर्जन करेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ धुले की तस्वीर जहां पर सौहार्द और भाईचारा नजर आया मस्जिद के सामने से, जब गणपति बप्पा को विदाई देने वाला जुलूस गुजर रहा था तो मस्जिद में मौजूद लोगों की तरफ से फूल बरसाए गए।